देश भर में 2024 का चुनाव चल रहा है, ऐसे में हम 24 की चौपाल में लोगों के मन में आखिरकार क्या चल रहा है वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, इधर से निकल रहे थे तो लोग नज़र आ गए, सोचा कि इन लोगों से बात करें इनके मन में क्या चल रहा है। चूंकि भाजपा की तरफ से जितिन प्रसाद को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से भगवत सरन को प्रत्याशी बनाया गया, और यहाँ से जो हाथी यानी कि बसपा से प्रत्याशी वो अनीस अहमद खां और फूल बाबू हैं। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर हाथी की चाल बहुत सुस्त है, मुकाबला जितिन प्रसाद और भगवत सरन के बीच। हमारे साथ लोग इन्हीं से बातचीत करेंगे। बाबू जी क्या हाल चाल है? बस बड़े साहब हैं। क्या हो रहा है? बस ठीक है। चुनाव में क्या चल रहा है बताओ? चुनाव बीजेपी चल रही है, तो कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साड़ बाड़ है नहीं है इस बार? साड़ फाड़ बहुत रहेंगे, मगर पकड़ मारो खाली हुए बस, साड़ बहुत होंगे। कोई नेता होता आते जीतने के बाद? नहीं आते हैं। नहीं कोई नहीं आता है, फिर कोई नहीं आता है, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ वैसे बढ़िया सब चल रहा है। ये गंगवार यहाँ से जी आप बताओ, यहाँ देखने तक नहीं आए एक बार? हैं उनके लिए बताओ, जिताए दिया गेंद देखने के लिए आए एक बार? हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, ये मंदिर तोड़वा दिया। 24 के चुनाव बताओ क्या चल रहा है 24 के चुनाव में? 24 तो चुनाव में तो हम तो फूल के लिए वोट दे रहे हैं बीजेपी के लिए। नेता वेता सुनने आते हैं? कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते। वहाँ से आए थे, इससे मेरठ से आए थे, दो तीन नेता आ जाए यहाँ बैठे रहते। अभी भाजपा का प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी का नाम नहीं पता है? नितिन प्रसाद। नितिन प्रसाद हैं? देखा है? मैंने नहीं देखा। वोट मांगने आए? नहीं। फिर भी दे दोगे? मैं तो फूल देंगे। फूल तो दोगे भैया? बताओ क्या माहौल चल रहा है, बताओ क्या समस्या है, कुछ समस्या वस्या आप? समस्या ही समस्याएं हैं यहाँ पे। तो क्या समस्या है? यहाँ से आज सुबह का ही वाक्य सुना रहा हूँ मैं आपके लिए। दिन भर काम करते हैं, सुबह में पता चला घूमने के लिए निकले तो पता चला 14 साढ़ लाइन बना के जा रहे थे खेत की तरफ, और जब उधर से आए हम भगाते हुए तो एक भैया और मिल गए हमारे साथ। वो बोले यार कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ये देखो ये जा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। तो उनने कहा भैया ये तो जिस खेत में घुस जाएंगे हमें बर्बाद कर देंगे। उधर से हम आ रहे थे, 3-4 लोग हो गए थे। अब भैया ये गांव के आंधी, हम कह रहे भैया हट जाओ इनको सीधे हाईवे में निकल जाने दो। अब वो कह रहे थे वो वहीं उनने गन्ना तोड़ा, रास्ते में खड़े हो गए। और जब वो उनने साड़ भी दूसरे के खेत में भगा दिया, उनसे कहा तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये तो स्थिति सरकार की है, और सरकार सिर्फ जब तक आती है जब तक उसका मतदान नहीं होता। एक बार इलेक्शन हो जाने के बाद वो अपनी कुर्सी संभालते हैं, जनता के साथ क्या हो रही है आज तक कोई देखने के लिए नहीं आया। तो 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी योगी जी, क्यों परेशान हो रहे हैं? साढ़ है तो आप ही लोगों ने तो छोड़े, उन्होंने थोड़ी छोड़े, हमने छोड़े हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं? नहीं भाजपा के लोग कह रहे हैं हमने छोड़े हैं। भाजपा के लोग कितने कितनी खेती करते हैं आप? नहीं हम तो आपकी तरह है खेती करें, आप कर रहे हैं। अगर मेरी तरह है तो मेरे दर्द को भी समझो ना आप, अगर मेरी तरह हो तो मेरे दर्द को भी समझो। कह रहे भाजपा को वोट देंगे कोई समस्या नहीं? आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसको वोट देना किसको नहीं देना, मतदाता सुरक्षित है और उसकी अपनी मर्जी है, वो जहां वोट देना। ये तो कह रहे कोई समस्या है ही नहीं, सब खत्म कर दी भाजपा ने, आप कह रहे समस्या है? इनके लिए है ना, हमारे पास खेती नहीं है। आप ऐसा काम करो, आप ये सुबह लेके मेरे खेत की तरफ आ जाओ, मैं आपको रियल दिखाऊंगा कि रियल क्या चीज है। मैं कहता नहीं हूँ। और पहले आप यहाँ पे थोड़ा अपना कैमरा घुमाइए, इधर देखिए कुछ है या नहीं है। परेशान तो हो आप कुल मिला? नहीं नहीं परेशान मैं नहीं, परेशान जमाना है, बस कह नहीं पाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना हाथी के पाँव में सबका पाँव, अगर बोलेगा तो तुम्हें पता है क्या होगा। इसलिए दर्द सबके पास, वो अपना दर्द छिपा के बैठे। क्या होगा, क्या डर लग रहा है, क्या हो जाएगा बोलोगे? मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे किसी नेता की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं में अपने आप में सक्षम हूँ। लेकिन मैं लोगों का अपना, जैसे अब खेत में मैं दिन भर काम करता हूँ और खेत में गया मैं सुबह, अपने दिन भर मैंने काम किया, सुबह खेत में बिजार भगाने के लिए गया। सरकार से यही उम्मीद की जा सकती है? गौशाला है, गौशाला में आप अपनी गाय को जमा करने के लिए जाओ, वहाँ पहले 1100 रुपए की रसीद कटाओ, उसके बाद एक बार ही अपना कैमरा ले जाके गौशाला भी जाना, भूसा तक बेच लेते हैं भाई सब लोग। जो भैया आप तो कह रहे हो कि समस्या नहीं है, कहाँ तक जानवर रखा है बताओ, दिन में रखा है रात में रखा है, मजदूरी कब करें आप, करें समस्या नहीं है? अरे समस्या है तो समस्या ये बताओ, छोड़ दे तो जे लोग छोड़ते हैं तो छोड़ते का ये हो, तुम पालो दूध खत्म हुआ, बस बछड़ा छोड़ दिया, बच्चिया भी छोड़ दी, गाय भी छोड़ दी, हैं क्यों छोड़ते हो? अभी परसों वाले दिन एक मीरापुर का आदमी छोड़ गया, एक बच्चिया और एक गाय, बताओ मैंने लताया भी, क्यों छोड़ दिया यहाँ? भाव जी आओ जरा इधर आपसे बात करें। अच्छा आप बताओ क्या क्या चल रहा है चुनाव में, क्या माहौल है? बीजेपी जीत रही है।
ये करो कितनी समस्या है, परेशान है वो आपके समस्या सबसे ही है। लेकिन जो है जैसे राम मंदिर बनवाया योगी महाराज ने हमारे, तो उनके नाम से अब कृष्ण जी की बारी है, तो उनके लिए वोट देंगे। समस्याओं से कोई मतलब, समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, पहले धर्म। कौन है भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से? जितिन प्रसाद मौर्य। जितिन प्रसाद देखा है जी, वोट मांगने आए आपके पास? हमारे पास आए। तो कोई समस्या वमस्या है सरकार में? कोई समस्या है बहुत सारी है, अब तो धीरे धीरे हल होंगी। होंगी उम्मीद है, उम्मीद है। तो देखिए और भी लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? बड़ा चाय भाई पी रहे हो, क्या माहौल चल रहा है? सोनू सक्सेना नाम है, ओनली बीजेपी जीत रही है। समस्या ऐसी है कि देखिए जैसे घर होता है ना एक, तो एक गार्जियन जब घर चलाता है तो समस्या उसके भी आगे बहुत होती है, वो धीरे धीरे सब हल होती है। अब ये बताओ वो बेचारे रात में मजदूरी कर रहे हैं, दिन में रिक्शा चला रहे हैं, सांड कब रखाएंगे बताओ? देखिए ये सांड का तो ऐसा है, देखो वो एक जानवर है, उसे खाने के लिए अगर छोड़ा गया तो वो अपनी सेफ्टी, आप अपनी सेफ्टी खेतों की खुद भी कर सकते हो। दूसरी साड़ों को ये नहीं कहूँगा भाई, जिनके खेत है वो अपना खुद देख सकते हैं, इन चीज़ों में मैं नहीं कह सकता। बाकी डेवलपमेंट मैं कह सकता हूँ, डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी है इस सरकार में। वो कह रहे हैं कि सरकार कोई भी वो भ्रष्टाचार नहीं रोकता है? ऐसा कुछ नहीं है, इस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ भी नहीं है, साफ है, जो भी है खुला पन्ना है, कोई ऐसा नहीं है। उन्होंने खुली किताब रखी हुई है जिसको सब दिख रहा है भाव जी, कोई समस्या नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी समस्या है वो अपने आप देखो, कल भी अब अपने आप नौकरी कर रहा था, कल भी खा रहा था। सरकार कभी किसी को देती नहीं है खाने के लिए, खुद कमाना है खुद खाना है बस ये। देखिए और भी लोग हैं, लोगों से बातचीत करने का कोशिश करेंगे, तमाम तरह की लोगों की अपनी अपनी राय। क्या भैया वो तो कह रहा कोई समस्या नहीं है, आपने दुनिया भर की समस्याएं गिना दी। अरे मैं तो कहता सुबह कैमरा लेके खेत की तरफ आ जाओ ना, मैं आपको एक नहीं अनेक समस्याएं दिखाऊंगा। आज का एक सबसे बड़ा सच बताऊं भैया, सरकार का नियम है पढ़े लिखे गधे मैन्युफैक्चरिंग करना। रिजल्ट आएगा 98%, जब वो नीट और जेई का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे फिर पता चलेगा कि वो कुछ। बोले हमारा बेटा तो बहुत बड़ो पढ़ो लिखो, बोले पढ़ो का, बोले साहब 98% रिजल्ट आओ, क्योंकि सरकार कंपटीशन नहीं चाहती। पढ़े लिखे बच्चों के साथ हमेशा फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ। कितने साल बाद आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, टुक टुक चलाता हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, पुलिस की भर्ती कितने समय के बाद आई आपकी? इस सरकार में 10 साल हो गई, 2014 से आई है सरकार, कोशिश तो कर रही सरकार, लेकिन लीक हो जा रहा तो क्या करा जाए बताओ? लीक हो जा रहा है, लीक की जिम्मेदारी मेरी है आपकी है? पेपर तो सरकार कोशिश का मतलब नहीं है, लीगल बात मुझे बताओ कि उसकी जिम्मेदारी किसकी है जो पेपर लीक हो रहा है। यहाँ पे तमाम भैया लोग कह रहे हैं हमारी सरकार बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। आप बताओ कि पेपर जो लीक हुआ उसमें आपकी जिम्मेदारी है? नहीं, आपकी जिम्मेदारी है, बताओ किसकी जिम्मेदारी है? सरकार कह रही हम लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं मुझे बताओ? आपको अभी मैं कह दूं, मैंने भैया को राजा बना दिया, पर्दे के पीछे क्या हो रही है हमें नहीं पता। उनने कहा 6 महीने में पेपर करवाएंगे, जो बच्चा 23 साल का था उसे वैकेंसी में 23 साल लास्ट डेट थी उसकी, 23 साल के बाद वो पेपर नहीं दे सकता, 6 महीने बाद वो 23.5 साल का हो जाएगा। बताओ इस बार क्या लग रहा है कि इन सब चीज़ों को लेकर के बदलाव की स्थिति लग रही क्या कुछ, या फिर वही सब कुछ रहेगा जो पिछली बार था? जब तक हमारी आपकी मेंटलिटी चेंज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, संभलना हमें आपको खुद ही पड़ेगा। किसी से किसी को सुधारने से सुधरता नहीं है आदमी। और लोगों से सवाल ले लेते हैं आपके, देखिए तमाम लोग हैं। भैया आप बताओ जरा क्या लग रहा है माहौल, क्या चल रहा है, थोड़ा बोलो आप, क्या क्या लग रहा है? सही है जो भी है, बड़ी समस्याएं आवारा जानवरों की, पेपर लीक की, बेरोजगारी की, कितनी समस्याएं गिना दी? समस्या तो बहुत हैं, फिर भी चल रहा है माहौल? कहाँ चल रही है माहौल, किसका माहौल चल रहा है? अब जो जीतेगा तब देखना कौन जीत रही है, माहौल चलने से क्या होता। जानवरों में रखवाली करते हो? अरे करे तो कहाँ करूँ, रात भर करूँ, दिन भर करूँ, क्या करूँ है नहीं। तो मुद्दे क्या आप लोगों के चुनाव में, क्या मुद्दे इस बार? 22-24 तारीख में आ जाएंगे सब मुद्दे सामने। क्या हाल है भैया? बढ़िया है जी। क्या माहौल चल रहा है? लोग कह रहे बड़ा परेशान है, कोई कह रहा भाजपा की सरकार बन रही है, कोई लोग कह रहे सांड छोड़ दिए, नौकरियां नहीं है, पेपर लीक हो गया। दे ही रहे इधर, पैमरा घुमाओ जरा, देखो कितने सांड है, सब घूम ही रहे हैं, इसीलिए देखो इधर नीचे मारो, ये VIP लगा रखे हैं, सांड भगाने के लिए लगा रखे हैं ये। तो आप लोग के चुनाव मुद्दे क्या है इस बार, क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको? मुद्दे तो जो हैं वो सब दिखाई दे ही रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, जो भी हैं सब दिखाई दे ही रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो बिजारों का ही है, बाकी नौकरी कोई मिल नहीं रही है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं, एक आवारा पशु घूम रहे हैं और पढ़े लिखे सब आवारा घूम रहे हैं, और क्या मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी जी आए थे तो सिखों का बहुत सम्मान की बात कर रहे थे, फिर भी आप नाराज? वो इलेक्शन के टाइम पे सब करते ही हैं बातें, बाद में कुछ नहीं होता। 15 लाख कहाँ गए वो मिले आपके खाते में आए? 15 लाख और क्या,
जो सबसे पहले जो मुद्दा था 15 लाख सबके खाते में जाएंगे वो आए आपके खाते में। अब की बार बता रहे हैं बहुत भ्रष्टाचारी पकड़े गए, सब माल सब जनता का है, कहाँ पकड़े गए हैं, कहाँ पकड़े गए, क्या लग रहा है किसका माहौल है, क्या अब की बार लोग कह रहे हैं? टाइम आएगा तब पता लगेगा किसका माहौल है। खोल नहीं रहे हो इस बार? खोलना क्या है, वो तो बाद में खुला जाएगा जब बटन दबाया जाएगा जाके। भाव जी क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आप बताओ? माहौल तो बढ़िया बीजेपी का चल रहा है, मगर कल हमारा भाई रैली में गया था, जब वापस घर जा रहा था साइकिल में उसमें कटिल तार लगा हुआ था खेत में, उसका हाथ कट गया पूरा। कोई देखने आया कोई है? पैसे नहीं मेरे इलाज के लिए, मेरे भाई के लिए हैं। कोई मोदी जी को सुनने गए थे? हम मोदी को देखने गए थे, हमारे बच्चे गए थे, हमारा भाई गया था, जाते समय रास्ते में तार पर गिर गया, जाके वो पूरा हाथ ही कट गया है। 1.5 लाख रुपये मांगा रैली में भर्ती कराने के लिए है। कैसे कट गया, क्या क्या सांड वाण आ गया, कैसे क्या हो गया था? साइकिल जा रही सांड आ गया या कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया था, या मोटरसाइकिल वाले पीछे धोक दिया क्या मालूम? सांड की बहुत ज़्यादा समस्या आप लोगों, या कोई मोटरसाइकिल वाला था क्या मालूम, चीज़ के लिए कोई सामने था ही नहीं कोई आदमी। तो देखिए तमाम तरह के लोग हैं, इनके अलग अलग मुद्दे हैं। तुम इधर आओ यार, तुमसे बात करेंगे, तुम नौजवान आदमी हो। तमाम तरह के मुद्दे, कोई कह रहा जो आवारा जानवर उनका भी एक बड़ा इशू है, पेपर लीक का भी मामला, और कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो भी लोगों का एक बड़ा इशू। तमाम तरह के लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग बोलने से कतरा भी रहे। भाव जी इधर आओ आप, क्या नाम है आपका? अरे क्या चला थोड़ा बताओ, क्या हाल चाल है? नाम हाल चाल बढ़िया है। गेहूँ कट गया? अभी नहीं कटा। क्या लग रहा, किसकी लहर है इस बार? इस बार वैसे तो लहर तो बीजेपी की है, लहर तो बीजेपी की है। कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? हाँ समस्या एक है। क्या? वही बिजार और जो है वो, हाँ वही बिजार बोल लो चाहे साड़ बोल लो, उसे बिजार की समस्या है। कौन है भाजपा से प्रत्याशी पता है आपको? हाँ जितिन प्रसाद हैं। वोट वोट मांगने आते हैं, नेता होता नहीं आते हैं? अभी तो मेरे गाँव कोई नहीं पहुँचा है। अच्छा बताओ वोट लेने के बाद समस्याओं को पूछते नहीं पूछते? हाँ चल, जो जो बन गया विधायक बन गया चाहे एमपी बन गया, वो दोबारा देखने तो आए नहीं। अच्छा मैं बताओ, वरुण गांधी का यहाँ पर लंबे समय से कब्जा रहा, मेनका गांधी यहाँ पर, इस बार उनका टिकट कट गया? कुछ नहीं किया उनने, वरुण गांधी ने मेनका गांधी ने कुछ नहीं किया आज तक, कम से कम 20 साल रहे होंगे यहाँ पे दोनों लोग, उनका तो टिकट काट दिया। क्या उनके जो लोग नाराज हैं वो जितिन प्रसाद को कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो चुनौती सामने? भाई इस चीज़ को हम नहीं कह सकते, इस चीज़ को जो है वो कार्यकर्ता लोग जो देखेंगे, इस चीज़ को हम नहीं कह सकते हैं। देखिए तमाम तरह के लोग हैं, आप भी आओ जरा आपसे बात करते हैं। भैया आप बताओ, अच्छा क्या चल रहा है? बीजेपी ओनली बीजेपी, उसके सिवा ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप नौजवान हो, वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया भाजपा की तरफ से, जितिन प्रसाद है, तो इसका कोई फैक्टर का प्रभाव पड़ेगा? देखिए हर किसी को बदलाव चाहिए, है तो बीजेपी, वरुण गांधी थे तब भी बीजेपी थी, दूसरे आए तब भी बीजेपी है, बीजेपी इसलिए कोई प्रभाव नहीं है। देखिए प्रभाव ये है कि वरुण गांधी अपनी खुद जो उनने नहीं करा, इसलिए इंसान उनकी वजह से बदलाव चाहता है कि दूसरा कोई नेता हो वो उसके लिए करे, पर प्लस ये है बीजेपी ओनली और कोई नहीं इनके बराबरी। देखिए टक्कर लेने वाला कोई है ही नहीं, जो भी आता है वो अपने धर्म के लिए चलता है कि हमारी सरकार बने तो हमारे धर्म में वो आए, कोई देखिए सुनवाई नहीं होती। अगर हम अगर किसी नीची जाति से तो उसी की सुनवाई है, बाकी इसमें कोई नीचा ना ऊपर कुछ नहीं, एक समान बढ़िया चल रहा है, एक समान है। तो देखिए तमाम तरह के लोग हैं जो अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। वरुण गांधी की बात करें तो वरुण गांधी का फैक्टर को लेकर के भी लोगों की अपनी अपनी राय है। भैया आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। अच्छा बताओ इस बार भाजपा से जितिन प्रसाद प्रत्याशी हैं, साइकिल से भगवत शरण गंगवा रहे हैं, क्या लग रहा है किसका माहौल है, आप नौजवान हो आप बताओ? माहौल की तो नहीं कह सकते कि क्या माहौल है, लेकिन सांसद जी जो श्री वरुण गांधी जी थे वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ईमानदारी से पीलीभीत में उन्होंने काम किया है और उन्होंने हमेशा जनता के विषय में भलाई की है और लोगों के विषय में उन्होंने मतलब लोगों की मदद करते थे, लोगों को लेटर पे उनका तुरंत इलाज हो जाता था दिल्ली से लेके एम्स उम्स जो भी है, तो ये वरुण गांधी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा बताओ वरुण गांधी का टिकट काटा गया, उनके जो लाखों समर्थक हैं, क्या उसका कोई प्रभाव जितिन प्रसाद के लिए चुनौती के तौर पर उभरेगा? नहीं ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या प्रभाव रहेगा, लेकिन जिन्होंने किसान और नौजवानों के ऊपर बात कर दी तो उन्होंने का टिकट काट दिया गया और जिन्होंने किसानों को रौंद दिया है उनको टिकट दे दिया, ये सरकार है बताइए। अब सरकार का ये सामने गौशाला में बाजार होना चाहिए, ये रोड पे दिखाई दे रहे हैं, आप लगाइए कैमरा इधर देखो, आप रोड पे हाईवे चल रहा है पूरनपुर। अच्छा गांव में लोगों के पास क्या क्या समस्या है, जो किसान है आम आदमी है उसकी क्या बड़ी समस्या? सबसे बड़ी एक ये जानवरों की समस्या है, और भी समस्याएं हैं लोगों की, ये बहुत जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है।
अच्छा नेता होता जो वोट मांगने आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर कभी पूछने आते हैं कि क्या हाल चाल है? नहीं आते हैं। वरुण गांधी जी हमारे गांव आए थे कई बार और उनसे हमारी हमेशा मुलाकात होती रहती है और वरुण गांधी एक अच्छे व्यक्ति हैं। जितिन प्रसाद के बारे में क्या कहोगे, आए वोट वोट मांगने? देखा आपने? नहीं उनसे तो मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया अभी। वोट मांगने आए गाँव में? नहीं अभी नहीं। तो क्या लग रहा है किसका माहौल है, माहौल बताओ किस पार्टी? माहौल को तो नहीं कह सकते कि क्या माहौल है, माहौल जैसा जो भी होगा वो देखा जाएगा जब समय आएगा तो। अच्छा अंतिम सवाल बताओ, वरुण गांधी का टिकट कटा है, इस फैक्टर का कोई प्रभाव पड़ेगा भाजपा के ऊपर? नहीं मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उनके नहीं बोल रहे हो? नहीं वो अलग का विषय है। मोदी जी आए थे कल, उसका क्या क्या कहोगे आप? मोदी जी के रैली में तो हम जा नहीं पाए, तो अपना कुछ खेती में काम था तो वो ही निपटाते रहे, तो इसलिए जाने में असमर्थ थे। खेती उतनी बढ़िया चल रही, कोई समस्या तो नहीं हो रही? समस्या का ये सबसे बड़ी समस्या हुई बिजारों की है, सरकार से मेरा यही निवेदन है कि ये समस्या दूर कर दे बिजारों की। वो कह रहे बिजार इन्हीं लोगों के थे, 5 किलो राशन भी दे रही सरकार, नहीं क्या समस्या? वो दे रही है सरकार, क्या वो कांटे मशीन लगाई है, कोटेदार ऐसे है कि अब वो 1 किलो बोरी लगाने लगे हैं, क्या इसी सरकार क्या करेगी बताओ? क्या कह रहे हो, भ्रष्टाचार अभी भी? भ्रष्टाचार बिल्कुल, भ्रष्टाचार हो रहा है, जीरो टॉलरेंस की सरकार, आप करो भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार हो रहा है, देखो ना बिजार सामने फिर तो रहे हैं, देखो ना कल देखिए तुम। हाँ बताओ। वहाँ से लौट के आए थे और साइकिल जा रहे थे घर पे, पूरा हाथ कट गया है, कोई देखने गया भाई के लिए? वोट तो मांगने सब आ जाते हैं, तो नेता होता वोट के बाद नहीं आते हैं? वोट मांगने आते हैं, उसके बाद देखने कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है, कहाँ आते हैं? क्या मन बनाया इस बार? हम तो वोट जहाँ देना तो देंगे ही फिलहाल, मगर भाई को देखने को हमारे पहुँचा है? बदलाव बदलाव होगा क्या इस बार? बदलाव जरूर होगा, मगर हमारे भाई को देखने आए तब भी बदलाव होगा, उसका हाथ कटने वाला 1.5 लाख रुपए मांगे, पैसे है नहीं मेरे पास। नेता तो आते ही नहीं, आप कह रहे वोट मांगने बाद कोई नहीं आता? हाँ वोट मांगने एक बार आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे फिर कोई, फिर ढूंढते रहो, दर्शन ही नहीं होते, दर्शन ही नहीं होते हैं। तो देखिए तमाम तरह के लोग हैं, इन लोगों की आपको हमने राय सुनाई, तो और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करें। भैया क्या हाल चाल है, क्या हाल है? अरे बताओ थोड़ा, आप नौजवान आदमी हो, खेती उती का काम बढ़िया चल रहा है सर? खेती है ही रहे। क्या करते हो? करते का मजदूरी करते हैं। मजदूरी ठीक चल रही है? हाँ बहुत बढ़िया। कोई समस्या वमस्या तो नहीं सरकार में? सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, समस्या का है, सही है सब। क्या लग रहा है किसका माहौल है? मोदी जी को माहौल है और किसको माहौल है? वो कह रहे रात में रखवाली करते करते मरे जा रहे हैं, आप कह रहे मोदी जी का माहौल है? तो रखवाली करनी पड़ेगी, है काय करनी पड़ेगी, सरकार ने छुड़वा दी है क्या? अरे वो किसी ने छुड़वा दे, नुकसान जब होगा वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा बताओ भाजपा से प्रत्याशी कौन है? भाजपा से जानते हो भाजपा के प्रत्याशी? हाँ क्यों नहीं जानते, वोट मांगने आए वो? अभी तो नहीं आए हैं, जब आएंगे तब बताएंगे। जानते होते नहीं हो? अरे जब हम तो जब हमारे ना आएंगे तो हम बताएंगे। अच्छा बताओ नेता होता वोट मांगने आते फिर बन जाते, फिर दोबारा कहीं पूछने आते हैं, हालचाल कैसे हैं? अरे ऐसे नेता कौन है दोबारा पूछने आए हैं, ऐसे नेता बहुत कम है, कोई ना आता है। कौन आता है हमारे यहाँ? कोई नहीं आता है, बाबा जी प्रवक्ता ने स्वामी आए, उनके जब भी बुलाए तब भी आते हैं वो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ सब बढ़िया चल रहा है। तो देखिए तमाम तरह के लोग अपनी अपनी राजधानी। बाबू जी क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। क्या करते हो आप? राजमिस्त्री। अब तो बढ़िया चल रहा होगा सब कारोबार? सही चल रहा है। किसका माहौल लग रहा है? माहौल का देखो, मोदी जहाँ जोर शोर है, मोदी जहाँ हर आदमी मोदी चिल्ला रहे हैं, क्यों भाई? क्यों क्यों चिल्ला रहे हो मोदी मोदी, कोई अच्छा काम हुआ है? अच्छा भाई हुआ, जैसा सही हो रहा है जैसा हो रहा है, इतना कुछ तो गड़बड़ है बता नहीं रहे हो आप। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कुछ नहीं है, गड़बड़ का यही है, गड़बड़ है खाली जो बाजार वाली, और कोई गड़बड़ नहीं है। सांड जी घूम रहे जहाँ तहाँ, बस यही गड़बड़ है और कुछ गड़बड़। छोड़े तो आप ही लोगों ने आज छोड़े हैं, अब छोड़े नहीं करेगा बेचारा, वो कहाँ तक हवाएं बांध के उसे। सरकार कह रही 70 रुपये गौशाला बना दी, सब गौशाला में पैक हो गए, आप कह रहे हैं घूम रहे गौशाला? कहाँ घूम रहे? अरे हर जगह घूम रहे हैं, गौशाला में नहीं है, गौशाला में सर ले जाते हैं, वे छोड़ देते हैं, फिर ये आए कहाँ से जाते हैं? क्या समस्या लग रही है सरकार में? क्या लग रही है? यही समस्या लग रही है, तार पूरते पूरते आदमी दुखी है बेचारा, और वरना कोई बात की कमी ना है। तो टाइगर वाइगर भी बता रहे इधर घूमता रहता है, उससे कुछ खतरा उतरा लगता है? हाँ टाइगर अभी है, शेरू आ जाते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं। और क्या कहोगे आप, इस सरकार में क्या नहीं हुआ बेहतर जो आप लोगों को? सो सब कुछ है। तो देखिए तमाम जो जनता है वो पब्लिक है, 2024 के मूड को लेकर हमने तमाम लोगों से बात की, साफ तौर पर लोगों का यही कहना कि जो आवारा सांड है उसका वो भी एक बड़ा इशू है। हालांकि वोट लेने के बाद जो नेता हैं वो फिलहाल दोबारा जनता के बीच नहीं पहुँचते हैं कि उनके क्या हाल चाल हैं, किस हाल में है, लेकिन कुल मिलाकर के लोग आवारा सांडों को लेकर के जो पीलीभीत का एक अहम मुद्दा टाइगर है
जंगल से निकल के तमाम बार लोगों की जान भी ले जाता है उसका भी रहेगा। और जो प्रमुख मुद्दा वो फिलहाल आवारा सांड को लेकर की लोग लगातार जो सरकार के प्रति नाराजगी वो भी व्यक्त कर रहे हैं। हरिपाल सिंह, भारत समाचार, पीलीभीत।